दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे संत के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 500 वर्ष से ज्यादा जिए हैं। इन दिव्य संत का नाम देवराह बाबा है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से कोई नहीं बता सकता कि बाबा जी का जन्म कब हुआ था, लेकिन माना जाता है कि इनका जन्म यूपी के देवरिया जिले में हुआ। बाबा जी के पास देश विदेश से कई राजनेता नौकरशाह आशीर्वाद लेने आते थे, जिनमें से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वाजपेयी तक शामिल थे। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये हाथ से नहीं पैर से आशीर्वाद दिया करते थे। जब एक बार साक्षात्कार में बाबा से पूछा गया कि वे पैर से आशीर्वाद क्यों देते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे चरणों में तीर्थ है, इसलिए मैं पैर से ही आशीर्वाद देता हूं। दोस्तों कहा तो ये भी जाता है कि कांग्रेस को पंजे का निशान भी बाबा जी ने ही दिया था। बात है साल 1977 में, जब कांग्रेस पार्टी की आम चुनावों में करारी हार हुई थी। तब इंदिरा गांधी देवराह बाबा से आशीर्वाद लेने पहुंची थी। तब बाबा ने पैर से नहीं हाथ से आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा रख दिया। तब कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की।